हाय फ्रेंड्स, दिस इज पल्लवी। वेलकम बैक टू वाइब्रेंट मंत्रा। कैसे हो आप सब? आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके लिए लेके आई हूँ मीशो शॉपिंग हॉल। और फटाफट से वीडियो को बिल्कुल डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मीशो से मैंने क्या क्या परचेस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना, आपको पता है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो, और कमेंट करके बताना है कि और किस तरह के शॉपिंग हॉल या किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को भी हेल्प हो जाएगी अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो। मेरी फर्स्ट परचेजिंग है दिस वन। ये एक ऑर्गेन्जा की साड़ी है, सी ग्रीन कलर का, बहुत ही प्रिटी सा कलर है जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैंने इसको कंप्लीट करवा लिया है, मैंने इसको फॉल पिको करवा लिया है। इसी साड़ी में आपको सी ग्रीन के साथ साथ येलो और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, ज़्यादातर पेस्टल कलर इसमें मिल रहे हैं। और ऑर्गेन्जा की साड़ी से बहुत ज़्यादा फैशन और डिमांड में है। इसमें आपको इस तरीके का फ्लावर और कुछ लीव्स वगैरह के प्रिंट मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है पहनने पे। और आप साइड में इसके पिक्चर देख रहे हैं। इसी के साथ मुझे मिला था ये ब्लाउज पीस। आपको ये ब्लाउज पीस अलग से मिलता है, इसका फैब्रिक कुछ इस तरीके का है और यहाँ आप अंदर लाइनिंग लगा के इसको बनवा सकते हैं। अगर आप चाहें इसका नहीं बनवाना चाहते ब्लाउज पीस, अगर कुछ लोगों को इसका फैब्रिक ना पसंद आए, बहुत थोड़ा टाइट लगता है, तो आप कोई और कपड़ा भी लेके कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं। अगर कंट्रास्ट में आप बनाएंगे तो और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। अदरवाइज आपको सेम कलर की जिस तरह की साड़ी है उसी कलर का आपको ब्लाउज मिल जा रहा है। इसका प्राइस और कोड दोनों ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो साड़ी है प्राइस के अकॉर्डिंगली बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम था। और ऑर्गेन्जा की साड़ी अगर मार्केट में आज आप लेने जाएंगे तो 1500 से नीचे बेसिक साड़ी, ये वाली जो साड़ियाँ हैं वो 1500 से नीचे नहीं मिल रही हैं। तो अगर मुझे ये मीशो से बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था तो मुझे सही लग रहा है, और पहनने पर भी इसका लुक बहुत कूल आ रहा है, तो मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई। नेक्स्ट जो साड़ी है वो दिस वन। ये एक मलमल कॉटन की साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है मलमल कॉटन। और मैंने आज तक जितने भी मलमल कॉटन की साड़ियाँ परचेज़ की हैं या पहनी है, सब मैंने मीशो से परचेज़ किया है। मैंने मेरे आप पिछले वीडियोस में भी देखेंगे, लास्ट ईयर का समर कलेक्शन में भी मैंने बहुत सारे मलमल की साड़ियाँ मंगाई थी। ये एक ब्लू कलर का साड़ी है, और ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू है, और इस तरीके का प्रिंट बना हुआ है ओवरऑल साड़ी में। आपको बॉर्डर में आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाता है, और इसका लेंथ वगैरह भी बहुत बहुत अच्छा है। साइड में आपको इसका पिक्चर दिख रहा है और वीडियो भी दिख रहा है, मैंने इसको रिकॉर्ड किया था पहन के। और इसी के साथ आपको इसका ये इस टाइप का ब्लाउज मिल जाता है। ब्लाउज आपको अलग से पीस लगा हुआ मिल जाएगा, आप उसको बनवा सकते हैं। ये ब्लाउज और कपड़ा भी बहुत बहुत अच्छा है। मलमल कॉटन की अच्छी बात क्या होती है ना, आपको बार बार उसको चरक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या आपको बार बार उसको बहुत ज़्यादा मेनटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सही है, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने वॉश किया और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होता। तो मलमल कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मीशो की साड़ियों की रेंज है मलमल कॉटन की, वो भी बहुत अच्छी है इस प्राइस में। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे, पहली बात तो मलमल कॉटन जल्दी मिलता नहीं है मार्केट में, और अगर कहीं मिलता भी होगा तो इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है दिस वन। ये भी एक साड़ी है जो कि कॉटन तात की है। कॉटन तात की साड़ी होती है, ज़्यादातर कोलकाता के लोग या बंगाल के लोग पहनते हैं। कॉटन में बहुत सारे कॉटन आते हैं अगर आपको पता है तो, मलमल कॉटन आता है, तात कॉटन आता है, कॉटन सिल्क आता है, उसके अलावा जो नॉर्मल वाले कॉटन के कपड़े होते हैं वो सब भी आते हैं। तो ये कॉटन तात कॉटन है, और तात कॉटन जो होते हैं ज़्यादातर कोलकाता में या बांग्लादेश के लोग पहनते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलता है। ये सी ग्रीन कलर है इसका, और जो ये बॉर्डर है नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ब्लू कलर मिलता है। और इस तरीके की साड़ियाँ जो होती हैं ना, उसमें ब्लाउज पीस नहीं देते हैं, तो आपको अलग से 2x2 रूबिया का कपड़ा लेके, या जिस तरह का कपड़ा आप पसंद करते हैं, आपको अलग से ब्लाउज सिलवाना पड़ता है। ये साड़ी, मैं इसको अगर ओपन करके पूरा दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है। ओवरऑल जो साड़ी है वो आपको ऐसे मिल जाएगी। ये आपको आंचल मिल जाएगा, आंचल में आपको बहुत सही
लाइनिंग लाइनिंग से मिल जाएगा। फिर पूरी पूरी साड़ी में बूटी बूटी आपको इस तरीके से मिल जाती है, बॉर्डर मिल जाता है और बॉर्डर के साथ बूटी बूटी मिल जाती है। इसमें ब्लू कलर का और येलो कलर की बूटियां हैं और सी ग्रीन का जो ये कलर है ना, समर के लिए बहुत सही है, बहुत कूल है और इसको पहनने पर इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मेरे पास कुछ कॉटन तात की साड़ियाँ हैं और स्पेशली ऑफिस वगैरह के लिए इस तरह की साड़ियाँ बहुत पसंद की जाती हैं। मुझे ऑफिस में या कॉलेज वगैरह में, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो इस तरह की साड़ियाँ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से कैरी करते हैं, पहनते हैं। मार्केट में कुछ स्पेशली शॉप होते हैं, वहाँ पर आपको कॉटन तात वगैरह की साड़ी मिलती है। ऑनलाइन मीशो में बहुत बड़ा रेंज है इसका। पहली बार मैंने देखा कि तात कॉटन का भी कलेक्शन बहुत अच्छा है वहाँ पे, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं और सर्च करके आपको इस तरीके का बहुत कमाल की फैब्रिक में और बहुत सही प्राइस में आपको मिल जाएगा। बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डार्क लाइट बहुत सारे शेड है, तो जैसा भी आपको कलर पसंद है वैसा कलर आप मंगा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगाया है वन मोर साड़ी, ये भी आपका मलमल कॉटन की साड़ी है। जैसा आपने मेरा ब्लू वाली साड़ी देखा था वैसे ही ऑलमोस्ट ये साड़ी है। मैंने ब्लू वाली साड़ी अपने लिए मंगाई थी, फर्स्ट जो ब्लू थी, और ये मैंने मंगाया अपने मदर इन लॉ के लिए। तो ये भी आपको ब्लू कलर में मिल जाता है, मलमल कॉटन में है। इसमें आपको बूटियाँ येलो और व्हाइट कलर की मिल जाती है, बहुत कूल लग रहा था। साइड में आपको पिक्चर दिख रहा होगा और इसका भी फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर पूरी साड़ी की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाता है आंचल में, आंचल का पोर्शन ये इस तरीके का आपको वर्क मिल जाएगा, वर्क है इनफैक्ट प्रिंट मिल जाएगा, ओवरऑल आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा। फिर पूरी साड़ी में इस तरह से आपको बूटियां बूटियां मिल जाएंगी। अगर आपको इसमें जो ब्लाउज मिलता है वो पहनने में इंटरेस्टेड हैं आप, तो आप पहन सकते हैं अगर आप मैचिंग के ब्लाउज पहनना चाहते हैं तो। अदरवाइज इस तरह का ये जो येलो कलर है, येलो क्या है, ये एक आपका गोल्डन येलो कलर है, तो गोल्डन येलो कलर में या व्हाइट कलर में भी अगर आप ब्लाउज पहनते हैं तो बहुत सही लगने वाला है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसका लेंथ जो होता है ना, वो 5.5 से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, मतलब इसका अरज जो है साड़ी का वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि साड़ी की अर्ज कम होती है, जिसकी वजह से उनको प्लेट्स बनाने में या इन करने में दिक्कत होती है, लेकिन इन साड़ियों की अरज भी बहुत अच्छी है और 5.5 से लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है इसमें, तो ये मुझे बहुत सही लगा था। और कंफर्टेबल तो बहुत ही है, मतलब इस समर में कंफर्टेबल तो इससे ज्यादा कुछ और हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा ही कंफर्टेबल पहनने में। सॉफ्ट है, आप अगर प्लेट बना के इसको पहनते हैं तो बहुत आसानी से प्लेट्स बन जाती है, तो बहुत इजी टू हैंडल है, इजी टू वेयर है, तो आप इसको पहन सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसका ब्लाउज की बात करें तो ये लाइनिंग का बेबी व्हाइट और ब्लू कलर में आपको ये ब्लाउज मिल जा रहा है, तो इसके साथ भी अगर आप पहनते हैं ना, ये ब्लाउज भी आप बनवाएंगे तो बहुत ही कूल लगेगा। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है दिस वन, ये एक वॉच बॉक्स है और इसको इस तरीके का ये वॉच बॉक्स है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत टाइम से मैंने विश लिस्ट करके रखा हुआ था इसको, मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि इसकी क्वालिटी कैसी आएगी, मंगाऊं कि नहीं मंगाऊं, क्योंकि थोड़ा सा ये प्राइजी था और क्वालिटी पे भी डाउट था कि ऐसा ना हो कि अच्छा ना आए और प्राइजी भी निकले बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने फिर जब इसको मंगाया, ये एक लेदर का बॉक्स है, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ, मतलब पहली बार अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन हुआ मीशो के इस प्रोडक्ट को मंगा के। साड़ियाँ तो मैंने बहुत परचेज़ की है, कुछ ज्वेलरी भी परचेज़ की है, लेकिन कुछ अलग से ऑर्गेनाइज़र वगैरह मैंने कम परचेज़ किया है, लेकिन ये जो मैंने मंगाया है बॉक्स, ये एक वॉच बॉक्स है। इसमें अलग अलग आपको पार्टीशन मिल जाता है और इस पार्टीशन में आप अपना वॉच रख सकते हैं। इनफैक्ट वॉच के साथ साथ इस तरीके का आपको पार्टीशन मिल जाता है, 10 पार्टीशन मिल जाता है और इस तरीके का एक कवर मिल जाएगा, इसमें लगा के आप अपने वॉचेस को रख सकते हैं। साथ ही साथ वॉच के साथ साथ अगर आप चाहें तो अपने ब्रेसलेट्स को भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने कुछ ब्रेसलेट्स को जो बीट्स के साथ है, मैंने चाहती हूँ कि थोड़ा इधर उधर हो या इसकी शाइन बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो मैं इस तरीके के जो मेरे ब्रेसलेट्स हैं उनको भी मैं इसी में रखती हूँ, अपने वॉच भी और इसको भी। तो ये मुझे काफ़ी बहुत अच्छा मिल गया था। पूरा ये वुडन बना हुआ है, वुडन है और ऊपर का पूरा कवर जो है वो लेदर का है। यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाता है, इस गेस्ट स्पेस में भी अगर आप कुछ इस तरीके के पैकेट्स रखना चाहते हैं या आप अपने कुछ ब्रेसलेट रखना चाहते हैं या कुछ पेपर्स भी इनफैक्ट रखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इसको रख सकते हैं। देन इसको आप क्लोज करते हैं तो इस तरीके का यहाँ पे लॉक सिस्टम मिल जाता है। इसकी क्वालिटी भी
अलग लेवल की है, बहुत सही क्वालिटी है इसकी। और इसमें आपको ब्राउन कलर और ब्लैक कलर दो मिल रहे थे। यहाँ पे 10 पोर्शन है, तो 5 यहाँ पे पोर्शन है, 5 यहाँ पे पोर्शन है। तो मैंने एक साइड वाला पोर्शन अपने लिए रख लिया था कि मैं अपने वॉचेस रखूंगी, और एक साइड वाला पोर्शन मैंने अपने हस्बैंड के लिए छोड़ रखा है कि उनके वॉचेस को मैं रखूंगी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको जो क्वालिटी मिल रहा है ना, ये शायद मैंने अमेजोन पे भी देखा था, लेकिन अमेजोन पे काफ़ी महंगा था, तो मीशो से मैंने परचेज़ किया। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का वेट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ से पीछे की तरफ से भी ना अंदर की तरफ ये फोम लगा हुआ है, फोम के बाद इस पर एक लेदर की कवर है, और ये जो लेदर है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मतलब सीरियसली टू गुड। और इसमें आपके वॉचेस भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, स्क्रैच वगैरह भी नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वॉचेस आप लेते होते महंगे महंगे, थोड़ा सा भी स्क्रैच पड़ जाता है इधर उधर, थोड़े गंदे हो जाते हैं बाहर रखने से, या फिर आप इंडिविजुअल बॉक्स पर रखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब मैं तो बॉक्स ही संभालती रह जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है किस बॉक्स में वॉच है और कौन सा वॉच मेरा इधर उधर घूम रहा है। तो मुझे ये सही लगा, एक जगह आपने सेटल रख दिया है, अब आपको समझ में आ जा रहा है कौन सा बॉक्स के अंदर है, कौन इधर उधर कहीं है, तो आप उसको सेटल कर सकते हैं। देन यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है वो हार्ट क्राफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, तो ये मुझे बेस्ट लगा, मतलब इन सब चीज़ों में ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट, मैंने मीशो से मंगाया है कुछ स्क्रंचीज, ये दिस वन, ये मैंने स्क्रंचीज मंगाई है, 6 का पैकेट था, और 6 पैक के साथ मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिल रहा था। इसकी क्वालिटी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी इसकी ठीक है। या आपको एक मैरून कलर में मिल जाता है, या आपको एक ब्लू कलर में मिल जाता है, नेक्स्ट में आपको एक येलो मिल जाता है। येलो वाले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, येलो वाला का शेप और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आपको एक पिंक कलर का मिल जाता है, तो आपको पिंक की भी क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। एक्चुअली ये जो फैब्रिक है ना, ये साटन का बना हुआ है, और साटन के फैब्रिक कैसे होते हैं कि थोड़े से कहीं से कोई रिंग वगैरह लग जाती है, या कोई पिन लग जाता है, या कभी कभी नेल्स लग जाते हैं, तो ऐसे धागे निकल जाते हैं, तो वैसे ही इनके साथ भी है, साटन के फैब्रिक के साथ बने हुए हैं, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे क्या है कि थोड़े से नेल्स लग गए और ये निकल गया, जहाँ से धागे निकल गए। नेक्स्ट मुझे ग्रीन कलर का मिल जाता है, और एक आपको मिल जाता है गोल्डन फैब्रिक में, ब्राउन गोल्डन कलर का है, तो टोटल 6 स्क्रंचीज मिल जाते हैं। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो मेरे बालों में सिर्फ और सिर्फ बड़ी मुश्किल से डबल फोल्ड होंगे। अगर आपके बाल थोड़े हैवी हैं मुझसे ज़्यादा, तो सिंगल ही फोल्ड होगा, शायद दो फोल्ड ना हो जाए। लेकिन अगर आप हेयर में नहीं लगाना चाहते हैं और अपने हाथ में इस तरीके से पहनना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साटन के बने होने की वजह से इसमें शाइन बहुत कमाल का है, तो शाइन की वजह से ये काफी अच्छे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वीडियो में भी काफी शाइन कर रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है एक फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर। ये फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर जो है वो मुझे 1 पेयर में मिला था, मतलब 2 का एक सेट मिल रहा था, और इसको मैंने परचेज किया है। ये आपको ब्राउन कलर का मिलता है, बिल्कुल फोल्ड होके आया था, और आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको ऊपर से आप कवर भी इसका लगा हुआ है साथ ही में, तो कवर होके आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत सही वाला है ऑर्गेनाइजर, आप इसमें अपना क्लोथ्स रख सकते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो हैंकी वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, हैंकी है, ग्लव्स हैं, या फिर आपके सॉक्स हैं, या फिर स्कार्फ वगैरह है, तो छोटी मोटी चीजें अभी आप इसको उसमें रख सकते हैं। मैंने कुछ बैग्स रखे हैं, तो बैग वगैरह भी आप रख सकते हैं, कुछ पेपर्स भी अपने रखने चाहते हैं तो रख सकते हैं, तो काफी ठीक ठाक ऑर्गेनाइजर है। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बात तो ये फोल्डेबल है, तो कहीं भी आप कैरी करके लेके जा सकते हैं अगर कहीं आप शिफ्ट हो रहे हैं तो। दूसरी बात, ये ऊपर से कवर है, तो जो कुछ आप इसमें रख रहे हैं ना वो गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ओपन नहीं पड़ा रहेगा, इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, और कवर करने के बाद सेटल कर सकते हैं, जगह रख सकते हैं। साइड में यहाँ पे हैंडल्स भी बने हुए, तो इसको उठाने में भी काफी इजी रहेगा, तो ये मुझे ठीक लगा था ऑर्गेनाइजर, काफी सही लगा था, प्राइस भी इसका काफी सही था, तो आप इसको भी परचेज करना चाहते कर सकते हैं। किसी भी तरीके का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सब सारे प्रोडक्ट जो है जितने भी मैं मीशो से परचेज करती हूँ उसमें से एक आध प्रोडक्ट मुझे भी जो रिसीव होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास जो भी ऐसे प्रोडक्ट भी रिसीव होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो मैं उसके लिए भी शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगी, मैं उनको रिटर्न कर देती हूँ जैसे कि बाकी ऐप्स के साथ करती हूँ। अदरवाइज मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट आज तक 95% की क्वालिटी काफी अच्छी रही है, तो उसमें से ये कुछ प्रोडक्ट है जो मुझे अच्छे लगे और समर वाइब्स दे रहा है, समर के हिसाब से है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये शॉपिंग हॉल, आप मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।